advised by the Harley people that we should stay back in Chandigarh. The worst part, money is not the issue. Worst part is we are getting married and this is our first. ये रिसेप्शन और यहीं पे अपनी गाड़ी रात को भी पार्क। सबसे पहले अपन चेन लूप कर लेते हैं। थैंक यू चलो आगे चलते थोड़ा पहले। तो रात को मैं इधर से आया था तो मुझे वो तो अभी आ गया हूँ मैं मनाली वाले हाईवे पे और यहाँ से मेरे को जहाँ पे मैं जा रहा हूँ बताता हूँ पहले। तो ये वाला रूपनगर का रास्ता मैं यू टर्न लेके ऊपर आया हूँ। तो अगर आप लोगों को भी कभी रुकना हो जब मनाली जा रहे हो तो यहाँ पे आके रुकना, फिर नेक्स्ट डे निकलना जैसा आपको ठीक लगे। वैसे अंदर जाके आपको खूब रूम मिल जाएंगे 1000-500 रुपये और खाने पीने की भी अच्छी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सस्ते भी है काफ़ी। अभी चलते हैं आगे। तो आज मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि पहले मैं जा रहा था बेर बिलिंग, बट बेर बिलिंग में एक्चुअली सीन ये था कि आज मैं अगर बेर बिलिंग पहुँचता और फिर मुझे कल वापस निकलना पड़ता और मुझे सोलांग वैली वगैरह मनाली भी जाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना सीधे डायरेक्ट सोलांग वैली चलते हैं। मुझे मेन जो फोकस था मेरा पैराग्लाइडिंग पे था और पैराग्लाइडिंग आपको सोलांग वैली में भी मिल जाएगी और वहाँ पे स्नो भी है थोड़ी बहुत। तो मेरा यही रीज़न था वहाँ जाने का, क्योंकि अगर मैं बेर बिलिंग आज रात को पहुँचता फिर अगले दिन निकलता तो फिर उसका मेरे को जो लगता आधा दिन और लगता, बिकॉज वो वहाँ से 150 किलोमीटर्स है बेर बिलिंग से सोलांग और मनाली। तो लेट्स गो, देखते हैं कैसा रहता है। तो वैसे भी आज बहुत लेट हो गया मैं उठने में, रात को दवाई वाई ले ली थी तो और वीडियो एडिट करने लग गया था तो शायद टाइम लग गया। और अभी प्रीमियर चल रहा है, 10:15 पर निकला हूँ मैं नहा के आराम से। और अभी इतनी ठंड लग नहीं रही है, मतलब लग नहीं रहा कि मैं ठंड में बाइक चला रहा हूँ। पहले सामान तो चेक कर लो मेरा, सही है। मैं बहुत कम ब्रेक लूँगा और मे बी ड्रोन शॉट भी नहीं लूँ, बिकॉज आज ऑलरेडी मैं लेट हो गया हूँ। जो सुबह मैं लेट हुआ हूँ उठने में, तब इस ख़राब होने की वजह से मैं आगे कवर करूँगा। सुबह आता तो फॉग दिखता बढ़िया। जब राइट पे निकलो तो मैं हमेशा जो कैरी करता हूँ, बिकॉज कभी कभार ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता हूँ तो एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत सारी चॉकलेट्स रखता हूँ मेरे साथ। तो जैसे ही मैं खाऊँगा तो थोड़ी सी एनर्जी मिलती है आपके साथ। तो इट्स बेटर कि आप हमेशा जब भी राइड करो चॉकलेट्स तो हमेशा कैरी करनी चाहिए। गूगल बाबा ने थोड़ी सी चोट कर दी अपने साथ, मेरे को पीछे से ऐसे कहीं घुमा के लेके जा रहा था मनाली, और बल्कि हाईवे तो सीधा जा रहा था। तो मुझे लग रहा है आज मनाली वनाली में काफ़ी ट्रैफिक जैम होगा, इसलिए मेरे को ये रोड अवॉइड करने के लिए बोल रहा है ये। तो अब हो गया पहाड़ स्टार्ट, अब चढ़े ही जाना है। अब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा राइडिंग पे, पहले तो हाईवे पे बैठे रहो। अब आएगा लीन गेम और कानों में सीटी बजना चालू हो चुकी है। तो कानों के लिए तो ट्रिक मैंने बताई थी, और उसके लिए आपको क्या करना है, नाक से ज़ोर से सांस लेनी है, ब्रीथ इन करना है पूरा और सांस रोके रखना है, फिर जैसे ही सांस छोड़नी है कानों से छोड़नी है। पहाड़ों के अंदर राइट करो, ऑलवेज कीप योर लेफ्ट, मैंने पहले भी बताया था, जैसे ही लेफ्ट लोगे सेफ रहोगे उस साइड से भी और इस साइड से भी। और एक और चीज़, कभी ब्लाइंड पे इन पे ओवरटेक मत करना, हमेशा दो बार चोट हुई है जब मैं लद्दाख गया था, उसके बाद से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी लद्दाख ट्रिप ऐसी थी, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। देख रहे हो ऐसे कट है पूरे सारे ब्लाइंड,
मुस्कुराइए, आप हिमाचल में हैं। हाँ, सेकंड डे जरा आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा इस ट्रिप का। और एक्चुअली बता रहा था कि कई लोग पूछ रहे थे, यार सोलो जा रहे हो आप, सोलो जा रहे क्यों क्यों? अरे सोलो जा रहे में क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लोग हो ना बात करने के लिए, रास्ते पता ही नहीं लग रहे कब निकल गए। और कोल और भैया खांसी ने तो ले रखी है मेरी, इसी वजह से मैं फोर व्हीलर में आना प्रेफर नहीं करता हूँ। मजा आ रहा है रोड के साथ खेलने में अभी तो। देखो ऐसे यहाँ पे ब्लाइंड कट है, तो कभी इन पे ओवरटेक नहीं करना, गलती से भी मत करना। वैसे आप पहाड़ों के अंदर एक घंटे के अंदर 50 किलोमीटर से ज्यादा कर नहीं सकते हो। लुकिंग इज फ्री, टचिंग इज कॉस्टली। वाह, मुड़ मुड़ याद सतावे, पिंड दिया गलिया दी। वाह क्या बात है, मैं भी लिखवा ही लेता हूँ मेरी बाइक पे, फ्लाइंग इज फ्री स्टेइंग इज कॉस्टली। डाउन जाते हो सबसे डेंजरस होता है वो, बिकॉज जब भी आप ओवरटेक कर रहे होते हो या कुछ भी कर रहे होते हो तो आपकी बाइक ऑटोमेटिकली और स्पीड हो जाती है, बिकॉज आप डाउन जा रहे होते हो। अब जैसे ट्रक चल रहा है ना, तो मेरे को ओवरटेक अब देख के करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी जगह का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप देखो आगे ना ट्रक। ये है यहाँ की प्रॉब्लम, ये देखो ये भी ओवरटेक करने की कोशिश में था, ये भी रुक गया, सामने से कार आ रही थी, एक और कार आ रही है, इसलिए थोड़ा डेंजरस है हिली साइड में ऐसे ओवरटेक करना, काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो कभी भी ऐसे लीन गेम के मोड में आके आप अपने आप को संभालें प्लीज़। लेट्स गो, देखते हैं कहाँ जाती है गाड़ी। कंफ्यूज कर दिया लोगों ने बर्फ बता बता के, कोई बोल रहा है गुलाबों में मिलेगी, कोई बोल रहा है कहाँ मिलेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। बट अपन चलते हैं जहाँ पे अपने को ठीक लगेगा वहीं रुक जाएंगे, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, अकेले हैं, यही तो सोलो होने का फायदा है। और अभी मैं मनाली से हूँ 182 किलोमीटर, पहले मंडी आएगा अभी 80 किलोमीटर बाद, देन 100 किलोमीटर ही बचेगा। एज यू कैन सी देर इज 3 flags प्रिंटेड देयर इस ट्रैवलर के ऊपर, बट इंडिया का नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। हाईवे आ गया तो वीडियो को तेज बढ़ाया जाए। हाँ बताओ क्या हो गया, इस पर स्टार्ट नहीं हो रही ना बैटरी, डिस्टार्ब बैटरी, बैटरी तो चालू होगी ना, गैस बैटरी तो चालू है ना यार, ये वही इशू है जो। हाँ अच्छा, धक्के से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ बताओ क्या हो गया, इस पर स्टार्ट नहीं हो रही ना बैटरी, डिस्टार्ब बैटरी तो चालू होगी ना, गैस बैटरी तो चालू है ना वही इशू है जो। हाँ अच्छा, धक्के से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ 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 वही वही, इसकी बैटरी बंद रखो एक बार। हाँ बंद है, ठीक है, अभी 5 मिनट वेट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट की धक्का उक्का देके ट्राई करते हैं। Where are you heading? मैं मनाली साइड जा रहा हूँ। हाँ हॉर्न बजाना एक बार, बैटरी तो परफेक्ट है भैया की बाइक, अपन धक्का मार के स्टार्ट करेंगे। By the way, his name is Chirag. चिराग फ्रॉम दिल्ली। थोड़ा किल स्विच बंद करो ना। हाँ देखो, हाँ ये प्रॉब्लम है ना। हाँ मैं धक्का देके कर रहा हूँ, आप शूट ले लेना। ठीक है, नहीं 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 रुक जाओ,
वो भैया भैया करेंगे, भैया धक्का मार दो। हार्ले डेविडसन इंडिया। गाइस यू नीड टू अपग्रेड, यू नीड टू अप योर गेम। ये लोकेश भाई, रैंडम पर्सन ने हेल्प करी यार हमारी, जो हार्ले के गुड़गांव वाले नहीं कर पाए विद ऑल देयर फैंसी इक्विपमेंट। एंड हार्ले डेविडसन को भी धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ता है तो फिर क्या ही बात है, तो इससे अच्छा बुलेट ही ले लेते यार अपन। वो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है वो बंदा। सर इसकी बैटरी की प्रॉब्लम। चलो लोकेश, ये वीडियो देख के तो मैं तो फॉलो करूंगा भाई को। लोकेश ये कर देख के तो यार आई विल बोथ फॉलो यू ऑन YouTube यार। बाय द वे भैया की बाइक स्टार्ट कर दी मैंने, कुछ इश्यूज आ रहे थे मैंने धक्का वक्का दे के। तो इनका नाम है चिराग, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, और आज ही अभी जा रहे थे कसौल अपने फियांसे के साथ। तो मैं पेट्रोल भरवाने रुका था 2 मिनट, तो भैया को मैं कसौल तक कंपनी दूंगा, इन केस अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो साथ बोलेंगे हम। तो ऐसे केसेस के अंदर हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, अगर तुम किसी की हेल्प करोगे तो भगवान देख रहा है तुम्हारी भी कोई ना कोई हेल्प करेगा किसी ना किसी दिन। तो ये सारी चीज़ें थी, अभी तो हार्ले का हो गया था ब्रेक डाउन होते होते बचा भैया, तो भिजवाने वाले थे। से 110 और अभी टाइम हो रहा है 255। अभी बुंतर होगा 50 किलोमीटर पे हम लोग, 80 किलोमीटर पे हम लोग एक ब्रेक लेंगे चाय का। पर अकेले होने में यार फ़ायदा तो है यार, अपने टाइम से चलो, अपने हिसाब से चलो। पहली बार ऐसा हर जगह मैं टाइम पे पहुँच रहा हूँ आराम से जाने के बाद भी। लुक एट द व्यू, और अच्छा व्यू देखना है तो ड्रोन शॉट देखो।
उस ब्रेक डाउन होने के बाद हमने अभी तक 40-60 किलोमीटर राइड किया है चिराग बयान है। तो अब देखते हैं कुछ बैटरी का इशू तो नहीं है। भैया एक बार सेल्फ करना। कैंसल आवर ट्रिप एंटायर ट्रिप गो बैक टू हार्ले और पर डे का जो हमारा 17,000-18,000 जो यहाँ पे वेस्ट हुआ वो तो चंडीगढ़ में जो हमने मनी इज नॉट द इशू वर्स्ट पार्ट इज वी आर गेटिंग मैरिड एंड दिस इज आवर फर्स्ट राइड टुगेदर हार्ले डेविडसन स्पॉइल्ड आवर फर्स्ट राइड टुगेदर लकीली वी फाउंड समबडी चलो भीड़ बहुत हो गई इधर। फंसे रहो अभी देखते हैं बाइक भी निकल पाएगी या नहीं पाएगी या मैं बेवजह ही शेकी मार रहा हूँ। चलते हैं आगे देखे तो सही क्या मैटर है। मुझे लग ही रहा था ट्रैफिक जैम तो आगे 100% होगा। भैया हट जाओ ब्रेक नहीं है मेरी बाइक में। अभी टाइम हो रहा है 5:00 और ठंड सी बढ़ गई है अब जैसे जैसे मनाली साइड जाते जा रहा हूँ। हाँ मणिकरण कसौल साइड में पार्वती वैली जिसे बोलते हैं। यार मुझे मनाली जाना था यार ये रास्ता किधर लेके जा रहा है मेरे को। कसौल से तो आप लेफ्ट चले जाना इधर से और कोई काम हो मेरे को कॉल कर। हाँ पक्का मैं अभी मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। हाँ मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। चलो बाय बाय बाय। सॉरी चिराग भैया अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा चलने का बहुत मन था कसौल बट मैं होके आ चुका हूँ एक बार तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया इस बार। ऐसा लग रहा होगा ना जो कोई बंदा सोच रहा होगा वीडियो देख के कहाँ चले जा रहा है। मेरे को ना होटल का पता है कुछ नहीं है बस चले जा रहे हैं। चिराग भैया को भी पीछे छोड़ दिया। कसौल जाने का बहुत मन था बट कोई ना और कभी है न्यू ईयर पे मे बी। और डे 1 से लेके डे 2 तक जो मैंने किलोमीटर अभी तक जो लिए हैं वो है 801.8। तो 801 किलोमीटर चल चुके हैं अपन घर से अभी तक। ये वाला कुल्लू टाउन है और यहाँ से मनाली है 40 किलोमीटर्स। चलते हैं आगे। तो मनाली से जस्ट 30 किलोमीटर पहले मैं एक यहीं पे स्टे ले रहा हूँ। क्या नाम है जोरबा रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे रूम मेरे को पड़ा है 800 रुपीज़ में। थोड़ा बार्गेन किया 1200 रुपीज़ का था बट वही है ना कि अब मैं आगे जाऊँगा तो आपको कोई व्यू भी नहीं दिखेगा और इट्स बेटर कि मैं यहीं रुक जाऊँ। तो अर्ली मॉर्निंग में ट्राई करूँगा निकलूँ और फिर यहीं पे बैक।
सो इट वॉज ऑल अबाउट डे टू. काफ़ी अच्छा था आज का दिन, धीरे धीरे आया बढ़िया एंजॉय करते हुए. मज़ा तो आया राइड करने में. और अभी पहुंच गया इस होटल. तो आपको पहला वाला पार्ट अच्छा लगा होगा और ये सेकंड पार्ट है. तीसरा पार्ट देखते हैं क्या होता है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड सो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल द टाइम बाय. राइड सेफ.